गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक्स। टुडे वी विल डू 9th चैप्टर, द जैबराज पजामास। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई जैबराज ऑलवेज वेयर पजामास? ऑफ कोर्स दे कैन नॉट रिमूव नाउ, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ देयर स्किन। बट लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द डेज व्हेन एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमंस इन द ग्रेट एनिमल देयर लिव्ड अ हॉर्स फैमिली। काफ़ी देर पहले की बात है, जब एनिमल्स ह्यूमंस की तरह बिहेव करते थे वहाँ पे, तब एक हॉर्स फैमिली रहती थी। दे हैव थ्री ब्रदर्स, स्टेलियन, म्यूल एंड लिटिल जैबरा, एंड वन सिस्टर पैलोमिनो। स्टेलियन एंड पैमोलीला वर वाइल्ड क्रिएचर, दे ऑलवेज ऑन द मूव, मीन्स वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। उनको नेचर बहुत पसंद था, फ्रेश एयर पसंद था, जल्दी उठ जाते थे मॉर्निंग में और हमेशा उछल कूद करते रहते थे। एक जगह पर कभी भी एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते थे। वो हमेशा आसपास जो भी हो रहा था उसमें एक्टिवली पार्ट करते थे। बट म्यूल दो वॉज नॉट वाइल्ड एज ब्रदर, बट जो म्यूल था वो ऐसा नहीं था, अपनी ब्रदर स्टेलियन और सिस्टर पैलोमिनो की तरह बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था, ना ही किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता था। ही वॉज नोन टू बी स्टर्मन, मीन्स बहुत जिद्दी था, बट फिर भी वो हार्ड वर्कर था, ठीक है, बट फिर भी वो वर्क हार्ड करता था, हार्ड वर्क करता था। लिटिल जैबरा द यंगेस्ट ऑफ द फोर, जो सबसे छोटा था चारों में से, वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो बिल्कुल उनसे अलग था। ही डिड नॉट वर्क लाइक म्यूल, वो म्यूल की तरह काम नहीं करना चाहता था। म्यूल ही वॉज नॉट एक्टिव, वो एक्टिव भी नहीं था। ऑल ही डिड वाज स्विश हिज टेल, बस वो अपनी जो टेल थे उसको हवा में घुमाता था, और लेजी था, बिल्कुल आराम से पड़ा रहता था अपने घर में। इन द मॉर्निंग व्हेन हिज ब्रदर एंड सिस्टर वुड गो आउट फॉर ए वॉक, जब वो वॉक पे जाते थे, रन पे, लिटिल जैबरा आराम से अपना नाइट पजामास पहन के उन्हें कहता था कि मैंने नहीं जाना, रिफ्यूज कर देता है। एट नाइट व्हेन स्टेलिया पैमोलिनो वुड गो फॉर आफ्टर एंड डिनर, और जब रात को स्टेलिया पैमोलिनो बाहर जाना जाते थे डिनर के बाद, तब भी वो उनको ज्वाइन नहीं करता था। ऑलवेज ही सेइंग दैट मुझे नींद आ रही है, एंड ही वुड प्रॉम्प्टली चेंज इनटू हिज पजामास एंड गो टू स्लीप, और उसी वक्त वो अपने नाइट पजामास पहन के सोने चले जाता था। लिटिल जैबरा मोर और लेस लिव्ड इन पजामा, हमेशा वो पजामा में ही रहता था। एज ही वॉज यंगेस्ट, सबसे छोटा था, सो कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था, इसलिए वो लेजी होता गया, दिन ब दिन लेजी होता गया। वन डे द किंग ऑफ द एनिमल वुड कॉल ऑल द एनिमल्स फॉर मीटिंग, एक दिन जंगल के राजा ने, एनिमल्स के जो राजा थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इट वॉज डिसाइड टू हाउ द किंगडम शुड बी रूल्ड, कैसे अपने राज्य को चलाया जाए। ऑल द एनिमल्स वर टू टेक पार्ट इन द मीनिंग ऑफ मेकिंग ऑफ डिसीजन, सारे एनिमल्स को बुलाया गया कि वो अपने अपने डिसीजन दें। द हॉर्स फैमिली नेचुरली वॉज ऑल्सो कॉल्ड, उनको भी बुलाया गया। स्टेलियन पैमोमिलो वोका पर लिया, जल्दी जल्दी उठ गए, वेंट फॉर देयर मॉर्निंग रन एंड देन रेडी फॉर द मीटिंग। म्यूल ऑल्सो जल्दी उठ गया और सारे अपने काम ख़त्म करके मीटिंग के लिए रेडी हो गया, बट लिटिल जैबरा अभी भी अपने पजामास में ही था। म्यूल नर्स जैबरा, हिज ब्रदर स्टेलियन एंड सिस्टर पैलोमिनो प्रोडेड हिम, ओके, बट ही रिफ्यूज, सबने उसे कहा कि चलो चलो, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ही वॉज नेवर एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कभी भी सुबह उठना नहीं चाहता था। दे लेफ्ट हिम एट होम, सो उसको घर में ही छोड़ गए। वेंट ऑफ टू द मीटिंग बट दे वर स्केयर्ड ऑफ व्हाट वुड हैपन, उन्हें डरा था कि क्या होगा मीटिंग में। श्योर इनफ द किंग नोटिस जैबराज एब्सेंस, उन्हें पता लग गया कि वो लिटिल जैबरा नहीं आया। ही वॉज फ्यूरियस टू फाइंड, बहुत गुस्सा आया, जैट समवन कुड डिस अबॉय हिम, मीन्स उसकी बात कोई नहीं मान रहा है। ही डिमांडेड दैट जैबरा ही ब्रॉट टू बी हिम इमिडिएटली, जल्दी उसे बुलाया जाए, इसने कहा। स्टेलियन रैन होम एज फास्ट एज ही कुड, वो जल्दी से घर पहुंचा, भाग के वो कब जैबरा को उठाया और उसे कहा कि द किंग हैड ऑर्डर हिम टू कम इमिडिएटली, उसे ऑर्डर दिया कि जल्दी आए। पुअर जैबरा वाज सो स्केयर्ड दैट ही रैन एज ही हैड नेवर रन बिफोर एंड इवन फॉरगॉट टू चेंज हिज पजामास, वो जल्दी जल्दी में इतना डर गया कि अपने पजामास चेंज करना ही भूल गया। द किंग सींग जैबरा इन हिज पजामा बिकम एवर एंग्रियर, तो जब राजा ने जैबरा को उसके पजामे में देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। ही शाउटेड एट जैबरा,
वो उस पे चिल्लाया, फॉर डिलेइंग द मीटिंग एंड डेयरिंग टू कम बिफोर मी इन योर पजामास। एक तो देर से आया था और दूसरा वो पजामास में ही आ गया था। यू विल नेवर बी एबल टू रिमूव देम। तो उसने कहा कि तुम इसे कभी भी रिमूव नहीं कर सकोगे। योर डिसेंडेंट टू विल फॉर एवर टू हैव बेयर देम। आपके जो पूर्वज है वो भी इसको पहनेंगे। एंड दिस टूडे द जैबराज वेयर पजामास। इसलिए जो की स्किन है अब, मतलब जैबराज उनकी परमानेंट उनकी स्किन ही बन चुकी है। ओके, थैंक यू।